हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अ डॉक्टर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद, दिल्ली NCR, और ये है मेरा चैनल। और इस चैनल में हम आपको मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड हेल्थ केयर टॉपिक्स के बारे में सिंपल भाषा में समझाते हैं, सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन से वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारे वीडियोस इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं। हमारे चैनल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं अपने पसंदीदा टॉपिक के बारे में, सिंपल भाषा में बेसिक ऑथेंटिक जानकारी जान सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइट एंड न्यूट्रिशन इन किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन, रीनल स्टोन, गुर्दे में जो पथरी होती है, उसके लिए खाने पीने में क्या कमी करनी है, क्या नहीं खाना है, क्या ज़्यादा खा सकते हैं, और खाने पीने का कितना असर पड़ता है उसके किडनी स्टोन्स पे और गुर्दे के अंदर जो पथरी हो जाती है उस पे। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बनाए हैं। इस पे एक प्लेलिस्ट अलग से है। हमने हमने किडनी स्टोन पे वीडियो बनाया है कि किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उससे आपको क्या दिक्कतें आएंगी, कितने प्रकार के हैं। हमने देखा है 4 प्रकार के स्टोन्स हैं और उनके क्या इलाज हैं, इलाज में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कब हमें मेडिकल इलाज करना चाहिए, कब हमें ऑपरेशन जाना चाहिए, इन सब के वीडियोस बने हुए हैं दोस्तों। सो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, आप चेक करिए, ब्राउज करिए, सर्च करिए हमारे चैनल पे। किडनी स्टोन के प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करिए, देखिए उसके जाके, और फिर ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्योंकि हमें कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हम किडनी स्टोन प्रिवेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गुर्दे में पथरी ना हो, कभी ना हो, तो क्या हम अपने डाइट को, खाने पीने को चेंज करें, और करें तो क्या करें? तो दोस्तों हमने उन्हें दोस्तों तो हम भी उन्हें भी यही बताते हैं कि सबसे बड़ा एक चीज अगर आप कहें जिससे आपके किडनी स्टोन्स प्रिवेंट होंगे, तो वो है पानी। अगर आप सही मात्रा में पानी रेगुलरली पीते हैं तो किडनी स्टोन्स आपको नहीं होंगे। पानी दोस्तों 8 गिलास एक एडल्ट इंसान को, अगर उनकी किडनी ठीक है, दिल ठीक है, तो उन्हें 8 से 12 गिलास तक रोज पीना चाहिए। गर्मियों में भी ज़्यादा, ठंड में थोड़ा 8 गिलास पी सकते हैं। और इतना पानी दोस्तों ज़रूरी है ताकि आपको हर 4 से 6 घंटे में पेशाब आए, और पूरे दिन भर में अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लीटर तक आप पेशाब करें। और ये पेशाब जो है नॉर्मल सफ़ेद हो, और ज़्यादा गाढ़ी, ज़्यादा पीली या काली, ब्राउन, ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कलर की पेशाब आ रही है तो आप पानी कम पी रहे हैं, आपको डिहाइड्रेशन है, आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं। फिर तो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा जो आप कर सकते हैं वो है पानी खूब पीना। इसके अलावा दोस्तों आप वजन अपना कंट्रोल करिए। वजन ज्यादा, वजन से देखा गया है जैसे जैसे वजन बढ़ता है किडनी स्टोन के रिस्क बढ़ते जाते हैं। और एक डाइट है, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था, उस डाइट का बहुत बड़ा रोल देखा गया है किडनी स्टोन का रिस्क प्रिवेंट करने के लिए। ये दोस्तों ये जो डाइट है, डैश डाइट, ये दुनिया की नंबर 1 डाइट मानी गई है US नेशनल न्यूज के द्वारा, और साथ में बहुत सारी US की नेशनल डाइटरी फेडरेशंस के द्वारा। तो ये नंबर 1 डाइट है दोस्तों। तो इस डाइट के बारे में भी दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसे जाके जरूर देखिए, हमारे चैनल पर सर्च करिए। तो आज के लिए हम बात करेंगे आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए अगर आपको किडनी स्टोन का रिस्क है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है कि आपको किस प्रकार का स्टोन है, ये मैटर करता है। क्योंकि आपको कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्जलेट, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन हो सकते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन, सिस्टीन स्टोन हो सकते हैं। इन सब स्टोन्स में अलग अलग प्रकार की डाइट रेकमेंड की गई है। सो बेसलाइन कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं, उनके बारे में भी आज आप बात करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जो चेंज करनी होती हैं वो है आपका सोडियम इंटेक, प्रोटीन इंटेक, एनिमल प्रोटीन खासकर, कैल्शियम इंटेक, ऑक्जैलेट इंटेक, पानी का इंटेक, और सब्जियों में कुछ चीज़ें, सब्जियाँ अवॉइड करनी होती हैं, और नट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ बताए जाते हैं जो अवॉइड करने या नहीं करने किसी किसी चीज़ों में। सो आइए बात शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन, और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किस प्रकार का स्टोन है। अगर आपने ये जान लिया, क्योंकि कई बार स्टोन छोटे छोटे होते हैं तो निकल जाते हैं, इसलिए कई डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपने पेशाब को कलेक्ट करें और छानें और स्टोन को पकड़ने की कोशिश करें, और स्टोन का टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि आपको किस प्रकार का स्टोन है। या फिर कई दफ़ा यूरिन का टेस्ट करके पता किया जा सकता है यूरिन में किस प्रकार के
मिनरल्स ज़्यादा हैं जिससे स्टोन बन रहा है। सो अगर आपको पता है कि किस प्रकार का स्टोन है, तो उस प्रकार के स्टोन्स के बारे में जो डाइट है उसके हिसाब से आप अपनी डाइट एडजस्ट करिए। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट अगर स्टोन है आपको ज़्यादा, तो आपको अपने डाइट में जो ऑक्सलेट वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, जिनमें के ऑक्सलेट ज़्यादा है, उसको कम करना होगा। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है? यह है नट्स, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब ड्राई फ्रूट्स लेग्यूम्स जो होते हैं, जिसमें सारे प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, उनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। स्पिनच जो है, साग जो कहते हैं जिसे, हरे पत्ते वाली लंबी हरे पत्ते वाली सब्जियां, उनमें भी ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। वीट, गेहूं का जो छिलका होता है, ब्रान, वीट ब्रान जो कहते हैं, उसमें भी ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने को कहा जाता है अगर आपको ऑक्सलेट स्टोन है। इसी के साथ दोस्तों, चाहे आपको किसी भी प्रकार का स्टोन हो, और दूसरी चीज़ जो दोस्तों आपको अवॉइड करने को कही जाती है वो है सोडियम। सोडियम जो नॉर्मल नमक में होता है, सोडियम क्लोराइड वाला जो नमक होता है उसमें ज़्यादा होता है। सोडियम अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो पानी ज़्यादा रिटेन होता है, पेशाब में से पानी कम निकलता है, पानी कम निकलेगा, फोर्स कम रहेगा, तो स्टोन जल्दी बनेगा। इसलिए सोडियम कम खाना रेकमेंड करते हैं। सोडियम जो होता है कैंड फूड, जिनमें टिन वाले कैन होते हैं, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड में ज़्यादा होता है, तो नमक कम खाना चाहिए। और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि आपको कितना नमक खाना चाहिए। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, कितना नमक खाना है, कम खाने से क्या होगा, ज़्यादा खाने से क्या होगा, ज़रूर देखिए। और इसके अलावा दोस्तों, एनिमल प्रोटीन्स तीसरी चीज़, एनिमल प्रोटीन्स को आपको लिमिट करना है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट करिए। एनिमल में प्रोडक्ट्स जो आप खाते हैं, चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, जो भी आप खाते हैं, एग्स, उन सबको आपको कम रखना है। खासकर ऑर्गन्स अगर जो खाते हैं आप, कई बार कलेजी, लिवर जो खाते हैं, और जो कई दफ़ा हार्ट खाते हैं, उन सब चीज़ों को कम खाइए। ऑर्गन मीट्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट्स और ये सारी जो चीज़ें हैं, स्टोन फॉर्मिंग चीज़ें होती हैं। फिश, शेल फिश, इनको भी आपको लिमिट करना होगा। इवन एनिमल प्रोडक्ट्स, जो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सबको आपको थोड़ा थोड़ा लिमिट करना ज़रूरी है अगर आपको स्टोन्स के रिस्क ज़्यादा है तो। अब ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि आप ये सब लिमिट करेंगे तो शरीर से प्रोटीन या खाने पीने से प्रोटीन ही गायब कर दो। आपको नॉर्मल वेजिटेरियन प्रोटीन्स ज़्यादा खाने चाहिए, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। वेजिटेबल प्रोटीन्स में जो आप बीन्स होते हैं, जो दालें हैं, जितनी भी प्रकार के चने हैं और जितने भी प्रकार की दालें हैं, उनको ज़्यादा खाइए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा खाइए। इसके बारे में भी एक वीडियो है हमारा, टोटली डिफरेंट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, लीन प्रोटीन क्या होता है एक्सेट्रा। सो इसके अलावा जो चौथी चीज़ जो बोली जाती है, कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों कम नहीं खाना है, फिर बता दूँ, कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कैल्शियम स्टोन है तो कैल्शियम कम खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैल्शियम कम खाने से स्टोन की रिस्क कम नहीं हो जाता, कैल्शियम ज़्यादा खाने से ज़रूर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन कम नहीं खाना है। अगर आप अलग से कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ही कैल्शियम कम करिए, तो ही वो सप्लीमेंट बंद करिए, वरना कैल्शियम नॉर्मल अमाउंट में बहुत ज़रूरी है आपके हर एक बॉडी के ऑर्गन को काम करने के लिए। इवन पेशाब की जो आगे पुश करने वाली जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसके लिए कैल्शियम ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके वजह से भी स्टोन होगा। तो कैल्शियम का एक सही मात्रा में बहुत ज़रूरी है आपके शरीर में, इसलिए कैल्शियम खाइए, नॉर्मल अमाउंट में खाइए। चेक करवा लीजिए कि यूरिन में कहीं आपके कैल्शियम ज़्यादा तो नहीं आ रहा, खून में कहीं कैल्शियम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं आप कैल्शियम बढ़ाने वाली दवाएँ ज़्यादा तो नहीं ले रहे, कहीं आप जो खाने पीने की चीज़ें या जो एंटासिड्स हैं उनमें कैल्शियम बेस्ड तो नहीं है, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ता जा रहा है, वो सब चीज़ें ज़रूर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ऑक्सलेट स्टोन है। अगर आपको कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है तो दोस्तों आप फिर नट्स खा सकते हैं, फिर आप किसी भी प्रकार के नट्स और पीनट्स हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, आप स्पिनच खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा पानी ज़्यादा पीना है, सोडियम कम रखना है, और एनिमल प्रोटीन्स आपको कम खाने हैं। ये बाकी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, स्पिनच भी खा सकते हो, नट्स भी खा सकते हो, सीड्स भी खा सकते हो, और कैल्शियम तो चाहिए चाहिए। यूरिक एसिड स्टोन अगर आपको है तो बात टोटली डिफरेंट है। यूरिक एसिड के बारे में ऑब्वियसली एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारा, आप ज़रूर जाके देखिए। पर मोटा मोटा यूरिक एसिड में भी एक तो अपने एनिमल प्रोटीन्स कम रखने हैं, प्लांट प्रोटीन ज़्यादा खाने हैं, पानी खूब पीना है, नमक कम खाना है, और जो होता है सीड्स वीड्स खा सकते हैं आप। और कई ऐसी चीज़ें बताई हैं यूरिक एसिड वाले वीडियो में, अल्कोहल या जो मेडिकल बीमारियां हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा।
लास्टली अगर आपको सिस्टीन स्टोन है, सिस्टीन स्टोन में और किसी भी प्रकार की डाइट्री एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है एक्सेप्ट पानी, पानी खूब पीना है आपको और कुछ नहीं कर सकते आप। सिस्टीन स्टोन अगर आपको होते हैं तो आप बहुत सारा पानी पीजिए, पानी ज़्यादा पीने से, प्रॉपर यूरिन आने से आपके स्टोन के रिस्क कम हो जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों चार प्रकार के स्टोनों के लिए अलग अलग डाइट्री रिक्वायरमेंट होती हैं, अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं और इसी तरीके से आपको स्टोन्स की रिस्क कम कर सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों सिर्फ डाइट या सिर्फ डाइट में कटिंग करने से आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपको स्टोन नहीं होगा, इससे सिर्फ रिस्क कम होगा, इससे नामुमकिन नहीं है आपको स्टोन होना। बिकॉज जैसा मैंने बताया डिहाइड्रेशन के वजह से, बीमारियों के वजह से, दवाओं के वजह से और कई दफ़ा ब्लॉकेज के वजह से भी स्टोन होता है। तो इन सब के बावजूद भी आपको स्टोन हो सकता है। तो अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो सिर्फ डाइट का ऊपर भरोसा मत रखिए, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज मत करिए, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, टेस्ट कराइए कि आपके कारण क्या क्या है। बेसिक मूल कारण जानने के बाद ही आपका प्रॉब्लम का निवारण पूरी तरह जड़ से हो पाएगा। तो दोस्तों होप आपको इस वीडियो से मदद मिली है और इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा किडनी स्टोन में क्या क्या किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। जितनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों अगली बार के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगली बार मैं डिस्कस करूंगा कि किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में जो लिथोट्रिप्सी शॉक वेव थेरेपी होती है उसमें क्या किया जाता है और उसके लिए आपको घर में जाने के बाद किसी किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे कैसे आपको रहना है, तो उस पर एक वीडियो डेडिकेटेड मैं बनाने वाला हूँ। सो देखते रहे हमारा चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।